जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल गौरव शुक्ला ते हाजर हाँ स्टेट्स स्पैशल दे नाल। शुरुआत सरबत खालसा दे मुद्दे ते रिड़क अज भी बरकरार है। इसी खबर दे नाल असीं शुरुआत करन जा रहे हैं। दो तस्वीरां असीं तुहानूं शुरुआत दे विच दिखा रहे हैं। सरबत खालसा दा मुद्दा जो है वह हुण भी बरकरार है। सिख जथेबंदियां वल्लों कल 10 नवंबर नूं सरबत खालसा सद्या गया है ते जिस ते वह पिछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ जथेबंदियां ने अपने हाथ सरबत खालसा तो खिंच लए ने पर मान दल इस तो पिछे हटता नज़र नहीं आ रहा। पर दूजे पासे अकाली दल ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार सीएम बादल ते होर आगुओं वालों सरबत खालसा विच ना शामिल होने की अपील की जा रही है। तो दूजे पासे प्रशासन भी मुस्तैद होया नज़र आ रहा। प्रशासन ने भी कल दे दिन नूं देखदिया होया अपनी कमर कस ली है ते सुरक्षा दे पुख्ता इंतजाम कर ले गए ने। तस्वीरां दे जरिए यह साफ हो रहा अमृतसर दे विच सुरक्षा दे करड़े इंतजाम किए गए ने। आउण जाण वालियां ते नज़र रखी जा रही है। तो दूजे पासे सरबत खालसा दीआं तैयारियां जो सिख जथेबंदियां कर रही ने वह भी पूरे जोरों शोरों नाल तैयारियां कर रहे हैं। बल्कि 10 नवंबर नूं सरबत खालसा सद्या जाणा है। तो 10 नवंबर को सरबत खालसा बुलाए जाने बेअंत सिंह कतलकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा ने वड्डा बयान दिता है। राजोआणा ने कहा कि श्री अकाल तख्त से ही सरबत खालसा बुलाया जाना चाहिए। राजोआणा ने कहा कि 10 नवंबर को सरबत खालसा सदन वाली जथेबंदियों का विरोध करते हुए उन्होंने गुमराह करने का इल्जाम लाते हुए सुचेत रहने की सलाह दी है। उधर राजोआणा ने सिख पंथ को दिवाली से दीपमाला करने की भी अपील की है। समय की वड्डी लोड़ है पर जिहड़े लोग सरबत खालसा बुला रहे ने ये 1984 तो बाद जखमी हुई सिख भावनावां नाल धोखा कर चुके ने। इसलिए नौजवानों ने इन्हां तो सचेत रहने की लोड़ है। सारिया संत महापुरुषों सारे धार्मिक जथेबंदियों को अपील करदा कि वह सरबत खालसा श्री अकाल तख्त साहिब से बुलाण ताकि सारिया समस्यावां दा हल कढ़िया जा सके। मैं चाहना भाई सानू खुशी नहीं मनानी चाहिए पर दीप जरूर जगाने चाहिए ने। दीप जगा के परमात्मा अगे अपने फर्जा के जिम्मेवार दीप जगा जगाने चाहिए ने। अपने फर्जा का करने चाहिए ने। हनेरा नहीं करना चाहिए। हनेरा ढेंदी गलों का प्रतीक है। सानू दीवे जगा के परमात्मा अगे अरदास करनी चाहिए है कि असी इस औखे समय के निकल। तो सरबत खालसा ते जिहड़ा रेड़का लगातार बरकरार है। तो चंडीगढ़ का रुख करते हैं। जी मीडिया पत्रकार नेहा सलारिया साडे नाल जुड़ चुके ने। नेहा समा बहुत घट बचे 10 नवंबर नूं सिख जथेबंदियां वल्लों सरबत खालसा सद्या गया। हालांकि बहुत सारिया सिख जथेबंदियां इसका विरोध भी कर रही ने, कह रही ने कि सरबत खालसा दा हक उन्हां नहीं है बुलाउण दा। इस विचाले सूबे च हलचल की नज़र आ रही है। सूबा सरकार का स्टैंड की है क्योंकि सूबा सरकार पहले ही इसके मुखालफत कर चुकी है, विरोध कर रही है। हलचल की नज़र आ रही है अमृतसर की गल करिए या फिर जिथे सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं चंडीगढ़ की गल करिए। जी बिल्कुल, अगर गौरव आप गल करिए असमंजस जरा है हमने भी बरकरार है कि सरबत खालसा जरा है क्योंकि सरकार और SGPC दो ही कह रहे हैं कि सरबत खालसा जरा है वो सिर्फ तो सिर्फ अकाल तख्त वालों जरा है वह बुलाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके हूँ गौरव गतिविधियां हो रही है ने तो जो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके सरबत खालसा बुलाया गया है दूसरे पंथक ऑर्गनाइजेशन वालों तो सरबत खालसा में वो लोग जड़े ने पार्टीसीपेशन जी है उन्होंने हो सकती है क्योंकि दिवाली हैगी है। हालांकि किया गया कि काली दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि जिस तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी हुई हैगी है और इसी कारण काली दिवाली मनाने का जरा SGPC का ऐलान है काली दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन बहुत सारी संगत जी है दिवाली मौके अमृतसर मत्था टेकन जरूर पहुंचती हैगी है और इसी कारण जरा है सरबत खालसा के हर कोई जरा है काफी लोगों का यही कहना कि उ पहुंचे क्योंकि सब कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार जो सरबत खालसा हो जा रहा है उसके की कुछ एजेंडा उस रखे जाएंगे। और अगर गौरव आप इंटरनेशनली अगर गल करिए तो नॉर्थ अमेरिकन डेलीगेशन जो है उसके भी 100 तो वह जथेबंदियां जी ने वह भी सरबत खालसा के पार्टीसपेन कर पहुंचे हुए ने देखना चाहते हैं कि कुछ एजेंडे फ्लोट किए जाते हैं क्योंकि एजेंडा सुरक्षा से भी कितने ना कि नजर रखी जा रही है। सूबा सरकार के वालों बेद भी हुई है सुरक्षा इंतजाम से। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, सुरक्षा के उत्ते बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जिस माहौल के पंजाब हुणे फिलहाल गुजर रहा है बहुत ही नाजुक घड़ी के गुजर रहा और इसी कारण इतों तक जो DGP है उन्होंने वालों अमृतसर ही कैंप जो है वो लगा लिया है अमृतसर ही है और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पंजाब सरकार इनफैक्ट अपने वालों यही अपील कर रही है कि इस कोई भी जरा है उसनों हुंगारा ना दिता जाए क्योंकि इसनों जो है धार्मिक भावनावान भड़काने वाला या
मुद्दा क्या जा रहा है और यही क्या जा रहा है कि अकाल तख्त साहब ही सिर्फ जरा है सरबत खालसा बुला सकती है। जी नेहा बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी दे लई तां सरबत खालसा 10 नवंबर नो सद्या गया है पर कई सिख जथेबंदियां वल्लों इसका विरोध किया जा रहा है खासतौर पर SGPC की गल करिए या फिर दूजियां सिख जथेबंदियां दी करिए पर मान दल इस उत्ते अड़ी गया अपने फैसले उत्ते ते 10 नवंबर यानी भलके सरबत खालसा बुलाए जाण दी गल कह रहे हैं।